देखा मेरा पुत्र आया है। पुत्र को देख के मन में बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। आओ मेरे लाल। इतना कहते ही सुखदेव जी पिताजी के पास नहीं पहुंचे, उल्टा जंगल में दौड़ पड़े। देवऋषि नारद आए, व्यासी क्या कर रहे हो? जिस बालक ने गर्भ में भगवान से वरदान मांगा था कि माया का बंधन में मैं ना बंधू, यदि आप इनको कुछ ज्ञान देना चाहते हो और तो इसको अपना पुत्र ना समझ के इनको अपना शिष्य मानिए। वैसे भी कहते हैं ना, माता पिता भी गुरु से कम नहीं होते प्यारे, और सबसे बड़े गुरु तो माँ बाप ही होते हैं, जो हमको जीवन में कुछ सिखाते हैं, जिनसे हमको सीखने के लिए मिलता है प्यारे। उनका आदर मान सम्मान करना ये गृहस्थी का धर्म है। आप इनको शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। तो व्यास जी ने अपने पुत्र को शिष्य के रूप में स्वीकार किया। आओ मेरे शिष्य, मैं आपको भागवत जी को सुनाऊंगा, भागवत जी आपको पढ़ाऊंगा, भागवत जी का अध्ययन कराऊंगा आपको, भगवत वाणी से मैं आपको लाभान्वित करूंगा। इतना सुनते ही आज सुखदेव जी ने चरण पकड़ ली पिताजी के, और भागवत जी का अनुभव किया पूरा, भागवत जी को अपने दिल में बसा लिया है। स्वयं भागवत रूप हो गए हैं सुखदेव जी, जिसने जीवन में भागवत को पढ़ा होगा प्यारे, और भगवान की दिव्य वाणियों को या दिव्य स्वरूपों को कथा के माध्यम से अपने चित्त में उतारा होगा, उसके चेहरे पर स्वयं भगवान की आकृति स्वयं प्रकट हो जाएगी। और आती है प्यारे, जरूर आती है। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तो मां गंगा के पावन तट पर इन्होंने ही उन्हें कथा सुनाई थी, और 7 दिन में उनको संसार के आवागमन से मुक्ति दिलाई थी। तब से भागवत जी की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ गई। जो आज भागवत जी की महिमा कल काल में कितनी है आपने देखा होगा, उससे पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी। कथाएं तो होती थी पर इतनी नहीं होती जितनी आजकल कथाएं होती है। तब से लोगों ने समझा कि जब राजा परीक्षित 7 दिन में इस कथा को सुनने के बाद अपनी मुक्ति का रास्ता खोज सकते हैं, तो ठाकुर जी हमको भी ऐसा मौका मिलना चाहिए कि 7 दिन तेरे चरणों में बैठ करके इस भागवत रसामृत का हम पान करें और अपना कल्याण करें। इसलिए कहा प्यारे, अपना कल्याण खुद करो, बच्चों के ऊपर डिपेंड मत रहो कि बच्चे हमारे लिए कुछ कर देंगे। बहुत से लोग होते ना जीते जी, इतना सब कुछ कर जाते हैं कि उन्हें बच्चों को आवश्यकता नहीं होती। बहुत से लोग तो जीते जी अपने बारे बामन भी कर जाते हैं, पता नहीं बच्चे करें ना करें इसकी गारंटी नहीं प्यारे, वो अपने बारे बामन भी स्वयं कर जाते, पहले कर जाते, वो जानते हैं मरना तो निश्चित है। धन्य है प्यारे, इस भाव से संसार में जियो कि मेरा साथी सिर्फ ठाकुर जी के अलावा कोई भी नहीं है। बच्चों का दिमाग कब बदल जाए कुछ पता है? देते रहो तो सब तुमसे प्यार करेंगे, और देना बंद कर दो तो अपनी दुश्मन हो जाएंगे। ये संसार बड़ा विचित्र है, संसार को तुम प्रसन्न नहीं कर सकते प्यारे कैसे भी, और जिनको प्रसन्न करना है उसको हम प्रसन्न नहीं करते, और इसी चकाचौंध के चक्कर में रह जाते हैं कि बस ये मेरा है ये मेरा है। और जब वो लात देते हैं ना तब अकल ठिकाने आती है, उस समय तक शरीर बेकार हो जाता है और ये जीवन हमारा वैसे निकल जाता है, व्यर्थ हो जाता है।